हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर पर बातें करने जा रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। देखिए बेटे, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या थ्योरीज आई, एटम किस तरीके से बताया गया कि किस तरीके का एटम होता है, बहुत सारी बातें हैं। शुरुआत जे जे थॉम्सन ने की, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई, तो हमें वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आपसे। बट उन सब बातों को डिस्कस करने के पहले जिस पॉइंट से हम बातें शुरू कर रहे हैं वो है बोर्स का एटॉमिक मॉडल, कि बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था। आफ्टर टू हम बोर्स कॉन्सेप्ट को जब पूरी तरह से क्लियर कर पाएंगे तब हम उन बाकी कॉन्सेप्ट्स को वापस शुरू करेंगे एक हिस्ट्री के साथ, कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या फेलियर्स आए, क्या बातें चल रही थी आसपास। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंडीशंस के साथ जोड़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, हम बातें करना स्टार्ट करते हैं बोर्स थ्योरी के साथ। देखिए बेटे, नील्स बोर थ्योरी ने 1913 में अपने एक मॉडल को प्रपोज किया, दैट इज़ द एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का मानना क्या था कि एटम किस तरीके से दिखता होगा, एटम में क्या क्या बातें होती हैं, एंड दैट ऑल थिंग। इस थ्योरी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस थी वो थी कि इस थ्योरी ने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करके दिया। इसके अलावा जो थ्योरीज इसके पहले आ चुकी थी वो एटम के स्ट्रक्चर को बता तो रही थी लेकिन वो सारे स्ट्रक्चर्स एटम को स्टेबल नहीं प्रूफ कर पा रहे थे। बोर्स थ्योरी ने एटम को स्टेबल भी प्रूफ किया। वो अनस्टेबल क्यों थे वो बातें उन थ्योरीज के साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी समझिएगा कि बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसका दो मेन काम था, एक एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। द पॉइंट आउट इज वॉट द बोर्स प्रपोज्ड हिज मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये क्या बताना चाहता है। देखिए बेटे, जिस समय एटॉमिक मॉडल आ रहा था उसी समय एक और लड़ाई चल रही थी, एंड दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ रेडिएशन। तो जो नेचर ऑफ लाइट के साथ बातें हो रही थी, जो एनर्जी रेडिएशन की बातें हो रही थी, कुछ पॉइंट्स पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूं कि हम आगे की बातों को समझ सके। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का क्या मीनिंग है, द पॉइंट आउट इज व्हाट कि लाइट क्या है, इस पर बात करने के लिए साइंटिस्ट दो अलग अलग बातें कर रहे थे। कुछ का मानना था कि लाइट इज मेड बाय अ वेव्स और कुछ का मानना था कि लाइट इज मेड बाय अ पार्टिकल्स, कि लाइट पार्टिकल नेचर से बनी होती है। कुछ का मानना था नहीं, लाइट तो वेव से मिलके बनी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, कि वेव नेचर लिख दूं और पार्टिकल नेचर लिख दूं तो इनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको इसके डिफरेंस को क्लियर करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि एक प्लांट है, और मुझे इस प्लांट को पानी प्रोवाइड करवाना है। तो प्लांट को पानी देने के लिए मैंने दो अलग अलग मैनर्स यूज किए। टाइप वन, हमने क्या किया, हमने पाइपलाइन ले ली और इसको पानी देना शुरू कर दिया। दैट इज अ सिंपल मेथड जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। मेथड नंबर टू, हमने क्या किया कि हमने एक बकेट ली और उसमें पानी के छोटे छोटे हमने बैलून्स बना के रख लिए। ये बैलून्स जो हमने बनाए इन्हें हमने इस पर थ्रो करना शुरू किया। जब आपने इनको बैलून्स को थ्रो करना शुरू किया तो ये बैलून जो आप थ्रो करते थे ये करता क्या था, ये इस फ्लावर के ऊपर टकराता था, इस प्लांट के ऊपर टकराता था, बर्स्ट होता था और प्लांट को पानी मिल जाता था।
यानी केस वन में भी पानी मिल रहा है और केस टू में भी पानी मिल रहा है, बट द बोथ प्रोसेस आर समवॉट डिफरेंट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कंटिन्यूटी के बारे में। जो हमारे पास जो पैटर्न आपके सामने मेंशन किया गया, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कंटिन्यूअसली पानी मिल रहा है इसको, और अगर इसके साथ जाओगे तो आप कहोगे द कंडीशन इज डिसकंटिन्यूअसली। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि लाइट और रेडिएशन, एनी एनर्जी रेडिएशन, लाइट और एनी एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन का मतलब कोई बॉडी गर्म है तो उसमें से हीट भी निकल रही होगी, कोई बल्ब आपने जलाया हुआ है तो उससे लाइट भी निकल रही होगी, तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी रेडिएशन। तो कोई भी बॉडी जो लाइट इमिट कर रही हो या उसमें से कोई एनर्जी रेडिएट हो रही हो, वो रेडिएशन जो होता है वो वेव्स नेचर का होता है अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, एंड दिस इज द कंडीशन अबाउट कंटिन्यूअस एनर्जी इमिशन। कंटिन्यूअस का मतलब कि अगर किसी बॉडी में से एनर्जी निकल रही होगी ना तो वो लगातार निकल रही होगी, कोई गैप नहीं होगा। बट द इन अदर हैंड व्हेन द पार्टिकल नेचर के बारे में बात करें, एंड दैट पार्टिकल नेचर इज अ क्वांटम थ्योरी, व्हाट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन? तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है दैट इज गिवन बाय अ नील, दैट इज गिवन बाय अ प्लैंक्स। क्वांटम थ्योरी कहता है कि ये पार्टिकल्स से बनी होती है एनर्जी। एनर्जी का पार्टिकल नेचर मतलब मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर बल्ब है और वो जल रहा है तो उससे लाइट इमिट आउट हो रही होगी, तो इनका मानना है कि जो लाइट इमिट आउट हो रही होगी वो एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में बाहर आ रही होगी। मतलब एनर्जी तो निकल रही है लेकिन एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकल रही, डिसकंटिन्यूअसली निकल रही है। Why is it termed as discontinuously? तो आप भी समझ सकते हो, अगर आप इस पर मैं कहता हूँ कि इसे पानी फेंको, बैलून फेंको, तो आप इस पर कितनी तेज भी बैलून फेंक लो, एक बैलून और दूसरे बैलून के टकराने के बीच में कोई ना कोई टाइम गैप होगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं, ये डिसकंटिन्यूअसली आ रहा है। तो क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ कि लाइट का जो इमिशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में होता है। और जिस पर्टिकुलर सिस्टम की आप बात कर रहे हो कि व्हाट इज दिस, तो ये एनर्जी का एक छोटा पैकेट बताया गया है कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है। वेव नेचर अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कई ऐसे टर्म्स लेके आता है, लाइक इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता है, और वहीं पार्टिकल नेचर अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकता है बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी टर्मोलॉजीज हम आपसे आगे क्लियर करेंगे। अभी बातें क्या चल रही थी कि जिस समय नील्स बोर की थ्योरी आई थी उस समय ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे। वेव्स नेचर कहता था कि लाइट इज अ मेड बाय या एनर्जी रेडिएशन इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर द पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग क्वांटम थ्योरी जो गिवन किया प्लैंक्स ने, उस थ्योरी ने बताया था लाइट इज मेड बाय अ पार्टिकल्स। अब बात उठी है कि प्लैंक्स थ्योरी जो थी उसने कुछ पॉइंट्स और बताए थे। द वन पॉइंट इज व्हाट, इन्होंने कहा था कि जो फोटोन इमिट आउट हो रहे हैं ना उनके पास कुछ ये एनर्जी प्रेजेंट होती है, equals to SC upon lambda और equals to H mu। जब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ना क्वांटम थ्योरी, तो मैं इस डेरिवेशन पे भी बात करूंगा कि ये डेरिवेशन बनाया कैसे गया। अभी आपको समझना है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो गिवन की गई थी उसने बताया कि जो फोटोन है, जो एनर्जी का स्मॉल पैकेट है ना, उसके पास इतनी एनर्जी होती है, कितनी, SC upon lambda, जहां पे H प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, वैल्यू 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। आप इस वैल्यू को याद रखोगे। तो अगर आपको किसी फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो
तो वो आपको मालूम होनी चाहिए. दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. यहाँ लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ, और म्यू क्या है? म्यू है लाइट की फ्रिक्वेंसी जो आपको डाटा में गिवन किया हुआ मिलेगा. तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो द बोर्स थ्योरी ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग वर्क किया. मतलब बोर्स थ्योरी किस पर बेस्ड है? तो आप कह सकते हो बेस्ड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर. मतलब बोर्स ने अपनी बातों को एक्सप्लेन किया जस्ट बेस्ड कि वो लाइट को क्या मानते थे? पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करते थे. तो ये तो बात हो गई कि बोर्स थ्योरी का. क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का मतलब है कि जिस समय ये थ्योरी आ रही थी बोर्स ने इस कॉन्सेप्ट पर बेसिस लिया और अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया. अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट्स, तो थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं, आइए इन्हें एक करके क्लियर कर लेते हैं. पॉइंट नंबर वन, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डेफिनेट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल्स. याद रखिएगा ऑर्बिटल इज अ डिफरेंट वर्ड जो हमें आगे डिस्कशन में लाना है. तो अभी आपने गलती से ऑर्बिटल नहीं लिखना है. अभी इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट के बारे में. थ्योरी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस हो गया और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? डिफरेंट शेल्स हैं, और उन शेल्स में कौन मौजूद होंगे? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. और ये जो शेल्स हैं हम इन ऑर्बिट्स को के एल एम या 1, 2, 3, 4 के नाम से जानते हैं. नॉर्मल पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ को शेल या ऑर्बिट कहा जाता है. लेकिन जो दूसरा पॉइंट था वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था बोर्स थ्योरी का. उसमें क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये बात तो क्लियर है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और उन्हें आप शेल या ऑर्बिट कहते हो. तो अगर मैं ये पॉइंट आपसे डिस्कस करूं कि मान लो ये न्यूक्लियस है मेरा, तो इसके चारों तरफ कितने सर्कुलर पाथ बन सकते हैं? तो आपने कहा अगर मुझे इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बनाने हैं तो देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ आर पॉसिबल. बहुत सारे सर्कुलर पाथ बनाए जा सकते हैं. तो क्या सारे सर्कुलर पाथ शेल या ऑर्बिट कहलाते हैं? तो शेल या ऑर्बिट तो वो कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है. तो क्वेश्चन ये बना, क्या हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मिलता है? देन द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. जब बोर्स ने इस बात को स्टडी किया तो उन्हें मिला क्या? उन्हें मिला कि देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो सर्कुलर पाथ वेयर द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? आप जानते हो व्हेन अ बॉडी मूव, तो कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही होती है तो उसके पास एक मोमेंटम होता है एंड दैट मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम mv. बट व्हेन अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन उसके पास जो मोमेंटम होता है उसे हम m ओमेगा कहते हैं. कुछ बच्चों को ओमेगा मालूम होगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड. लेकिन मैं इसे लिख दे रहा हूँ mvr. ओमेगा को vr लिखा जाता है. तो ये mvr क्या है? ये है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की स्पीड और उसकी रेडियस, यानी कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस. इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे, मान लीजिए मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो आप कहोगे पॉसिबल है अगर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है अगर इसकी वैल्यू यानी इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दैट इज mvr h/2πk इंटीग्रल मल्टीपल में हो. मतलब n की वैल्यू अगर 1 आ जाए मतलब वो h/2π हो, n की वैल्यू 2 आ जाए मतलब वो 2h/2π हो, n की वैल्यू 3 आ जाए वो 3h/2π हो, लेकिन 2.1 आ जाए, 2.2 आ जाए, यानी कि फ्रैक्शन नंबर आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है. तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज h. दिस ये जो मैंने साइन बनाया ना आपके सामने बेटे, ये h/2π को ही रिप्रेजेंट करता है. तो आप इसे ऐसा भी दिखा हुआ देख सकते हो सिस्टम के साथ.
तो एक पॉइंट आउट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कब किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर किसके बराबर हो, एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। अब यहां पे कई रीजनिंग क्वेश्चन हमारे सामने बन के आते हैं कि ऐसा क्यों बताया बोर्स ने, वाई वी आर फॉलोइंग दिस एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो देखिए बेटे, जिस समय बोर्स ने इस थ्योरी को मेंशन किया था उस समय वो खुद नहीं जानते थे कि एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई की कंडीशन सेटिस्फाई क्यों हो रही है, वाई नेचर फॉलो दिस, ऐसा हो क्यों रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। बोर्स को एक्सपेरिमेंटली ये बातें सारी मिल रही थी, यानी सारे मैथमेटिकल इक्वेशन सब कुछ ये बात प्रूफ कर रहे थे, बट बोर्स ये बात एक्सप्लेन नहीं करके दे पा रहे थे व्हाई नेचर दिस फॉलो। जिस समय बोर्स थ्योरी आई थी उसी समय लाइट का एक और बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहे थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का मानना था कि लाइट इज नॉट अ वेव बिहेवियर और नॉट अ ओनली पार्टिकल बिहेवियर, लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, दैट मींस वो वेव और पार्टिकल दोनों बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, और इस बात को वो आइंस्टीन के पास जाके रख रहे थे। आइंस्टीन इस इन सभी के कलीग्स थे, और अगर देखा जाए तो उनका आईक्यू लेवल कंपेयर टू साइंटिस्ट कुछ ज्यादा था। तो जब डी ब्रोगली ये बात उनके सामने रख रहे थे कि लाइट को हम क्या ड्यूअल नेचर मान सकते हैं, उसके पहले बोर्स पहुंच चुके थे उनके पास, और बोर्स ने अपना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने रखा कि मैं एक्सपेरिमेंटली तो प्रूफ कर सकता हूँ, मैंने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन क्यों? तो ये बात जब बोर्स नहीं समझ पाए और आइंस्टीन के सामने आया, तो आइंस्टीन को कुछ ऐसी बातें समझ आईं आफ्टर द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, जब डी ब्रोगली ने अपना कॉन्सेप्ट लिया कि बोर्स की इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया कि व्हाई नेचर फॉलो दिस, लेकिन क्या दिया वो हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के साथ आपसे क्लियर करेंगे। तो अभी बोर्स के दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, के एल एम एन शेल के नाम से जाने जाते हैं ये, एंड द सेकेंड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने पॉइंट नंबर थर्ड पर, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी पर्टिकुलर शेल। बोर्स ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस का ये सर्कुलर पाथ हो गया, और इस सर्कुलर पाथ में मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में लगातार रिवॉल्व कर रहा है, तो वो किसी भी टाइप की कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता। मान लीजिए इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ मूवमेंट होके आया, वो यहाँ पहुँचा, जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरीके से मोशन कर रहा था, लेकिन जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो कांस्टेंट बनी रहती है, वो एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होती है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जिस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उस शेल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आके घूमेगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही बनी रहेगी, ना तो वो उससे ज़्यादा एनर्जी रख सकता है और ना ही वो उससे कम एनर्जी रख सकता है। मतलब हर एक ऑर्बिटल के पास एक फिक्स एनर्जी होती है। क्या बोला, देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी पर्टिकुलर शेल देन इट नेवर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, दैट मींस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, एंड दैट इज वाई दीज ऑर्बिटल आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, रुकी हुई है, और अगर उस ऑर्बिट की एनर्जी रुकी हुई है, इसका मतलब ये नहीं करिएगा कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज मूविंग, लेकिन एनर्जी स्टेशनरी फॉर्म में है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल देन एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ये क्या है, देखिए बेटी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड नील बोर थ्योरी थी, और क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो भी रेडिएशन इमिट आउट होगा फ्रॉम द एनी बॉडी
वो सारा का सारा लाइट के फॉर्म में होगा, दैट इज अ फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप क्या बताओगे? इन्होंने बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है, मींस दिस इलेक्ट्रॉन ये यहां से क्या करना चाहता है, मूव करना चाहता है अनदर शेल में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो यहां से जंप करे और जंप करके यहां पहुंच जाए। तो ऐसे केस में एनर्जी का चेंजेस होता है, क्योंकि हर शेल की एनर्जी फिक्स है। अगर इस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को इस शेल में पहुंचना होगा तो उसे उतनी एनर्जी चाहिए होगी जितनी इस शेल के पास एनर्जी होगी। यानी इस पर्टिकुलर केस के लिए इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है अगर फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल, तो उसने उस एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है, इमिट या एब्जॉर्ब? अगर मैं इस पर बात करूं आपसे तो एक बेसिक बात को समझिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बेटे किसी एक शेल से दूसरे शेल में, तो वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। जो लोअर शेल होता है, यानी के शेल बोल सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एल, जो हायर शेल होता है लोअर शेल की एनर्जी लेस होती है और हायर शेल की एनर्जी मोर होती है। क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का, ये भी मैं आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि लोअर शेल की एनर्जी कम होगी हायर शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। अभी तो आपको ये बात समझनी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाता है, यहां कम एनर्जी यहां ज्यादा एनर्जी, तो एनर्जी आई कहां से? तो वो एनर्जी आती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन। वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन को मिलती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और यहां से यहां पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर आप रिवर्स बात देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, देन वॉट? तब वो क्या करेगा, तब वो हायर से लोअर में आ रहा है, मान लो इसकी एनर्जी 10 है इसकी 5 है, तो 5 एनर्जी क्या करेगा, उसे निकालनी पड़ेगी, और वो भी किस फॉर्म में निकालेगा, फोटोन के फॉर्म में निकालेगा। यानी द पॉइंट आउट इज वॉट कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी एक शेल से दूसरे शेल में तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल, देन एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहां पे आप इस बेसिक पॉइंट को समझ सकते हो। द बेसिक पॉइंट इज वॉट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन इट मूव फ्रॉम अ हायर शेल टू लोअर शेल, इट इमिट एनर्जी, एंड दैट इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ फोटोन। देखिए बेटे, एक पॉइंट गिवन किया गया है। द पॉइंट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिनाइज्ड। इसका मीनिंग समझना है, वो पूछना चाहता है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। क्या जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है? क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझते हैं पहले। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन द स्मॉलेस्ट चार्ज जिसकी एग्जिस्टेंस होती है नेचर के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बॉडी चार्ज है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप कहोगे उसके ऊपर या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो उस पर दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो चार इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। चार इलेक्ट्रॉन या तो निकले होंगे या तो चार इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो वैसे ही चार्ज होगा। लेकिन 4.5 इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज नहीं हो सकता, 4.5 की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कह सकते हो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब कि जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इसी रिएक्शन को फॉलो कर रहा होगा। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि हमारा फिजिकल मनी में 1 रुपीज सबसे मिनिमम मनी है, तो अगर कोई पैसे किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है तो वो 1 के मल्टीपल में ही देगा, 2 रुपये, 4 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। वो 1.50 रुपीज फिजिकली नहीं दे सकता अगर 1 रुपीज मिनिमम अमाउंट है हमारे पास। तो कहने का मतलब कि 1 रुपीज भी क्वांटाइज्ड हो गया।
वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। दैट सिंपल मीनिंग कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है एंड दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये तो बात हो गई क्या कि व्हाट इज द बोर्स कॉन्सेप्ट, बोर्स ने क्या पॉइंट बताए। आपने भी देखा बोर्स के पॉइंट्स को, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, जिन सर्कुलर पाथ को शेल या ऑर्बिट कहोगे के एलिमेंट्स के नाम से डिनोट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उनमें रिवॉल्व करेगा जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी को रेडिएट या इमिट नहीं करता। हाँ, अगर जंप करता है एक शेल से दूसरे शेल में तो एनर्जी का रेडिएशन या इमिशन होता है एंड दैट इज ऑल डन इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ये सारी बातें तो हमने क्लियर कर ली। अब जो मेन पॉइंट मुझे डिस्कस करना है बोर कॉन्सेप्ट का, जिस पर सारी बातें डिपेंडिंग है, वो है कि बोर्स ने बताया था कि न्यूक्लियस जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स होती है। इन्हें स्टेशनरी शेल्स का नाम दिया गया। तो ये जो पर्टिकुलर शेल्स हैं इन शेल्स की एनर्जी कितनी होती है उसको निकालने के लिए बोर्स ने एक फॉर्मूला मेंशन किया। फॉर्मूला क्या था? इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमें यह फॉर्मूला प्रिपेयर करना है कि क्या फॉर्मूला है एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या क्या बातें इसके साथ जुड़ती हैं आइए पहले समझ लें। सबसे पहली बात, इस फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है, उसे ध्यान रखना जरूरी है। व्हाट इज लिमिटेशन? लिमिटेशन है कि जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और कह सकते हो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब सिस्टम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। यानी बोर्स थ्योरी का एक लिमिटेशन, एक ड्रॉबैक है कि वे मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें नहीं एक्सप्लेन करके दे रहे थे। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या आप कह सकते हो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये क्या होती हैं? तो आपने कहा जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है? हमने कहा हाँ जी होता है। यानी ये फॉर्मूला हम हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला एटॉमिक नंबर 2 हीलियम के ऊपर एप्लीकेबल होता है? आपने कहा नहीं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर मैं हीलियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बना दूं तो आप कहोगे कि अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इस केस के साथ। मैंने कहा कि एक और केस ले लेते हैं, लिथियम पे 2 पॉजिटिव ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। 2 प्लस आने का मतलब लिथियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। मतलब ये फॉर्मूला लिथियम के ऊपर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है? आपने कहा यहाँ जेड की वैल्यू 1 है, यहाँ जेड की वैल्यू 2, यहाँ जेड 3 है। व्हाट इज जेड? जेड रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक नंबर। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? आपने कहा ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। और अगर मैं बात करूं तो इस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जेड क्या है? जेड है सिस्टम का एटॉमिक नंबर, जो 1, 2, 3 है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चलता है कि सर हमने ये सुना हुआ है कि हीलियम तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव नहीं करता। वैसे ही लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 3 से 2 बच जाता है, यानी वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। तो वो क्या एग्जिस्टेंस होता है नेचर में इनका? तो देखिए बेटे, पॉसिबिलिटीज ये एग्जिस्ट कर सकते हैं बट अंडर अ वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशंस। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये फॉर्मूला है तो हाइड्रोजन का, बट अगर ये स्पीसीज जनरेट की जा सकती है तो ये फॉर्मूला वहां भी अप्लाई हो सकता है।
क्या बेरिलियम पे अप्लाई हो जाएगा? आप कहोगे अगर आपको एक्सपेरिमेंटली नहीं बातें समझनी, आप सिर्फ क्लियर करते हो कि अप्लाई होगा या नहीं, तो आप कहोगे बेरिलियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दो, एटॉमिक नंबर 4 है, फॉर्मूला तो यहां भी अप्लाई हो गया। यानी दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर अ सिस्टम दैट हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन, और वो कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी। तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड। जेड रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज दैट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात करते हैं, जेड के बाद एन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एन? यहां पे एन जो है बेटे, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करके देती है। नंबर ऑफ शेल को कैसे रिप्रेजेंट करके देगी? तो मान लो मेरे पास ये जो शेल्स हैं, इसमें ये वाली शेल जो है इसके लिए n वैल्यू 1 है, इसके लिए n वैल्यू 2 है, इसके लिए n वैल्यू 3 है, n वैल्यू 4, 5, सो ऑन। यहाँ पे जो n 1 है ना, ये सिस्टम का ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब जो उसका होम है। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले शेल में ही होगा और वो उसके ग्राउंड स्टेट यानी कि वो उसी शेल में घूमता है। जो सेकंड शेल है उसे हम बोल सकते हैं कि वो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपने इस शेल से इस शेल में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकता है। ये क्या है? ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहां से यहां आया तो फर्स्ट एक्साइटेड, यहां से यहां आया तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन का सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो एन क्या है? दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ शेल, तो आपको समझ आ गया कि के एल एम एन अगर लिखा हुआ है तो एन की वैल्यूज तो मुझे पता है। थर्ड पार्ट आता है यहां पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसे क्या समझना है आपको? देखो बेटे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज जस्ट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी की आप एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जूल को जानते हो, कैलोरी को जानते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? जनरली बताया जाता है कि दो चार्ज बॉडीज अगर होती हैं तो हम अगर उनकी एनर्जी निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला दिया जाता है एक क्यू इंटू वी। क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है और उस पर वोल्टेज वी लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है। मैंने कहा एक चार्ज बॉडी है जिस पर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके ऊपर, और वो V पोटेंशियल पर अगर मौजूद है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? वी आर राइटिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मैं इस एनर्जी को आपसे कहूं कि इस एनर्जी को मुझे जूल में एक्सप्लेन करके दीजिए, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब अगर आप जूल में निकालना चाहते हो तो मैं इलेक्ट्रॉन को उसके चार्ज में ब्रेक कर रहा हूं, दैट इज कूलम, और वोल्टेज को वोल्ट के फॉर्म में ही छोड़ रहा हूँ। कूलाम वोल्ट बेटे जो होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जूल। तो आप कह सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल। ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट व्हाट? कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब मैं इस यूनिट फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को जूल के टर्म्स में भी लिख सकता था। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें 1.6 इंटू 10^-19 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। तो वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये आ जाती है 2.18 इंटू 10^-18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एंड नाउ इज इट जूल पर एटम। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा बेटे, ये जूल पर एटम के फॉर्म में आ गया। इसी फॉर्मूला को हम आगे भी चेंज कर सकते हैं। वो क्या? हम इस फॉर्मूला को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एंड नाउ इज इट टर्म्ड एज किलो जूल पर मोल। क्या किया हमने?
हमने अभी तक एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही थी, जो कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक एटम, क्योंकि आप कह सकते हो कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मैं इसे चेंज करना चाहता हूं किलो जूल में, तो मैं सिस्टम को 10^3 से डिवाइड कर दूंगा, और मुझे एक एटम नहीं पर मोल के लिए चाहिए, तो मैं इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर आप ये कंडीशन बना देते हो कि आप सिस्टम को डिवाइड करते हो किससे, 10^3 से, और मल्टीप्लाई करते हो किससे, 6.0 × 10^23 से, देन द रिजल्ट चेंज इनटू -1312 Z²/N² किलो जूल पर मोल। अब जो पार्ट जुड़ता है बेटे, कि आपको ये सारी बातें तो पता लग गई कि व्हाट इज जेड, व्हाट इज एन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउ टू चेंज इनटू जूल, हाउ टू चेंज इनटू किलो जूल पर मोल। अब बात उठती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इस नेगेटिव साइन का मीनिंग भी पता लग जाए। देखिए बेटे, नेगेटिव साइन का मतलब समझते हैं पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन। जनरली एनर्जी नेगेटिव में होती है या नहीं होती, तो क्या मतलब होता है नेगेटिव साइन का। देखिए बेटे, नेचर के पास एक बेटर प्रॉपर्टी है कि नेचर हमेशा स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। सिस्टम की स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में इनवर्स करिलेशन होता है, जो ज्यादा स्टेबल वो कम स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल उसकी कम एनर्जी। ये कैसे समझेंगे, समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं वापस। एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं अपने मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स बात को प्रूफ करने के लिए कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है, मार्केट निकल गए। मार्केट निकल कर वो दो पर्सन को मिले, मिस्टर ए और मिस्टर बी को। मिस्टर ए लगभग 16 साल का एक यंग बॉय था, और मिस्टर बी अबाउट 65 ईयर्स के एक ओल्ड पर्सन। मिस्टर एक्स आपके सामने इस बात को समझाने के लिए कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज स्टेबिलिटी, दोनों को कस कस के एक झापड़ लगा दिया। मिस्टर ए ने कुछ सोचा ही नहीं, उन्होंने मिस्टर एक्स की तो धुनाई कर दी बिना सोचे हुए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये चढ़ गए इनके ऊपर। लेकिन मिस्टर बी बहुत समय तक सोचते रहे कि यार ये हुआ क्या। द कॉन्सेप्ट इज मिस्टर ए के पास ज्यादा एनर्जी है, वो केमिकल रिएक्शन के लिए तैयार थे, आओ मुझसे रिएक्शन करो। दैट मीन्स दिस इज द अनस्टेबल सिस्टम, बट दिस इज द वॉट स्टेबल सिस्टम, यानी जिस सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होती है ना वो कम स्टेबल होता है, और जिसके पास कम एनर्जी होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। द नेचर ऑलवेज मूव टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, नेचर हमेशा चाहता है कि वो किधर जाए, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ऐसा क्यों, नेचर की ये प्रॉपर्टी क्या है। तो नॉर्मल बात है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ू, ये नीचे आ गया, एक हॉट कप ऑफ टी को रखूं, तो वो अपनी हीट बाहर निकाल देती है। उन सबके साथ एक ही काम तो हो रहा है, वो अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अगर यहाँ पे क्यों हैं, आप क्यों हैं, आप सब क्यों पढ़ाई कर रहे हो, दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपनी लाइफ को एक स्टेबल पॉइंट पे पहुँचाना। हम चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ एक अच्छी सी लाइफ हो जाए, अच्छी अर्निंग हो, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाए हमें। दैट्स वाई द नेचर ऑलवेज मूव टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको दिख जाएंगे अपने आसपास जो अनस्टेबिलिटी लाइफ को की तरफ मूव कर रहे होंगे, बट द नेचर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बातें हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव का क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आइए स्टेबिलिटी को पहले समझ के देखते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। हमें दो मैग्नेट बॉडीज दे दी गई, और मैंने कहा कि इन दो मैग्नेट बॉडीज को आउट टच कराते हैं। मे बी अगर आपके पास भी दो मैग्नेट्स आते हैं, तो हर बच्चा इसे परफॉर्म जरूर करता है कि दोनों के पोल सेम कर देता है और जोड़ने की कोशिश करता है। मैग्नेट्स एक दूसरे पे बहुत रिपल्शन लगा रहे होते हैं, और आप बहुत दम लगाते हो कि एक बार तो जोड़ दूं। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, जब आप इन्हें एक दूसरे के पास ला रहे होगे ना,
तो एट द टाइम इनमें रिपल्शन हो रहा होगा, और अगर रिपल्शन हो रहा होगा तो काम कौन कर रहा होगा, हम काम कर रहे होंगे, और अगर हम काम कर रहे होंगे दैट इज वॉट वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हो रहा होगा, और अगर सिस्टम पे काम हो रहा होगा इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी, हमारी एनर्जी तो कम हो रही होगी लेकिन वो एनर्जी सिस्टम को मिल रही होगी, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी, और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो रहा होगा। और आप खुद भी जानते हो कि अगर दो मैग्नेट बहुत पास आ जाएंगे और मैंने छोड़ दूँ तो दे ऑलवेज मूव अवे, क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो गई, वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब उनमें, अगर वो दूर गए तो वर्क डन क्या होगा, नाउ बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम से वो अपनी एनर्जी कम कर लेंगे। लेकिन अगर मैं दोनों के पोल्स अपोजिट कर दूं और उन्हें लाऊं यहाँ पे ला के छोड़ दूं तो वो अपने आप आके स्टिक हो जाएंगे, और अगर वो एक दूसरे के पास आके स्टिक हो गए तो क्या वो अलग होंगे? तो आप कहोगे नहीं, वो अलग ही नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे? अगर वो एक दूसरे के पास खुद से आ गए दैट मीन्स अ वर्क डन वॉट बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, और अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा, वो वहाँ पे आके स्टिक हो जाएंगे। इस समय सिस्टम के पास कम एनर्जी है, मैंने कहा दूर लेके जाओ, क्या करोगे? जितनी एनर्जी उन्होंने निकाली होगी, जितना काम किया होगा उतना, उतनी ही काम आपको करके उसे दूर ले जाना पड़ेगा। सो द पॉइंट आउट इज वॉट कि अगर एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो देखो बेटे, निगेटिव साइन के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी बात तो बता दी कि स्टेबिलिटी और एनर्जी में किस तरीके से रिलेट करोगे। आइए अब इस निगेटिव साइन का मीनिंग समझ के देखते हैं। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस से कुछ इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमने मान लिया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटे, ये न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का आ जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इसका मतलब, तो एक बार माइंड सेट हो जाता है कि यार वो तो मौजूद होगा तारों के पास। नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे, इनफाइनाइट डिस्टेंस हम उस डिस्टेंस को कहते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ना काम कर सकता हो, मतलब वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हो। तो एट द टाइम आप ये बात बोल सकते हो कि वो इनफाइनाइट पर है। हमने यहाँ पे मान लिया है कि लेट अस कंसीडर कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। कहाँ पर? इनफाइनाइट पोजीशन पर। अब जब ये इनफाइनाइट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, यानी कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा किसी भी कारण से, मान लीजिए आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन बनता है सर न्यूक्लियस क्यों नहीं मूव करता, दोनों मूव करते होंगे या एक ही मूव कर रहा है? तो आप इस बात को ध्यान रखो बेटे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इज अ मच मोर हैवियर मास। आप एक बहुत बड़ा मैग्नेट पीस ले लो और एक मैग्नेट का पार्टिकल ले लो, और मैं आपसे कहूँ कि मैं दोनों को रखूँ तो कौन किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, या दोनों जाएंगे? तो आपको दिखेगा कि ये तो नहीं मूव कर रहा, सिर्फ मूव करने वाली बॉडी क्या है, इज जस्ट अ पार्टिकल है। वैसे ही हम ये बोल रहे हैं कि मूव करने वाला सिस्टम कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कि आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं या किसी को भी। हमें जो बात समझनी है उसे कोशिश कीजिएगा समझने की। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि वर्क डन हो रहा होगा बाय द सिस्टम, और जब सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। हमने एज्यूम कर लिया है कि सिस्टम की एनर्जी कितनी है, इनफाइनाइट पर जीरो है। इसका मतलब जैसे से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, और एनर्जी कम हो रही होगी। जीरो से कम होने का मतलब एनर्जी का क्या होना, नेगेटिव साइन का होना। और अगर आप इस बात को समझोगे कि मेरे पास ये कुछ शेल्स हैं, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जब होगा, यहाँ पर जब होगा, यहाँ पर जब होगा, तो हर बारी अलग अलग एनर्जीज होंगी। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो वर्कडन यहाँ से यहाँ तक का हुआ होगा, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्कडन हुआ होगा, और ज़्यादा हुआ होगा तो और वर्कडन किया होगा सिस्टम ने, और यहाँ से यहाँ आया होगा तो और वर्कडन किया होगा सिस्टम ने। मतलब ये आप बोल सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा होगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पे जितना भी वर्कडन हुआ होगा
वो सारा वर्क डन सिस्टम का निगेटिव में रिप्रेजेंट कर दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में एनर्जी को जीरो कंसीडर किया था। मान लेते हैं एग्जांपल पे मैंने कहा कि इस समय से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस एक्स जूल है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ माइनस एक्स जूल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जब आया होगा ना, तो इस पूरे सिस्टम ने एक्स जूल वर्क किया होगा। तो ये डाटा देख के आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, एक्स जूल हुआ होगा। क्या ये स्टेबल है? क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा? तो आप कहोगे एनर्जी तो कम हो गई है। एनर्जी कम होने का मतलब ये सिस्टम स्टेबल हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ नहीं मुझे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो मुझे अब इसको इधर ले जाना पड़ेगा, और ये होगा वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। तो आप कहोगे वर्क डन बाय द सिस्टम तो आपने देख लिया था, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि हमें काम करना पड़ेगा। और अगर हम काम करेंगे और मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो आप क्या कहोगे, टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन वी नीड व्हाट, एक्स जूल एनर्जी। क्यों? एक्स जूल काम करके यहाँ पे आया तो एनर्जी माइनस में हो गई, तो अगर मैं उसे एक्स जूल एनर्जी और दे दूंगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कितनी है अभी, माइनस एक्स जूल। आपने कितनी एनर्जी दे दी, एक्स, एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म आपको समझ में अभी आना चाहिए कि अगर आपको किसी सिस्टम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम है, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी मालूम है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी भी आप बोल सकते हो, यानी आप लिख सकते हो एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ऑर्बिट एनर्जी। उस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, उस ऑर्बिट की एनर्जी के आगे माइनस लगा दिया मैंने, क्योंकि माइनस माइनस को प्लस कर देगा। तो वी हैव द पैटर्न, कि आपको ये पैटर्न भी समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो थियोरेटिकली लिखी हुई बात क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देर इज नो इंटरेक्शन इन बिटवीन एंड द टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज्यूम टू बी व्हाट, जीरो। एज द इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा द एनर्जी डिक्रीजेस, समझ आता है, बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डिक्रीजेस ड्यू टू अट्रैक्शन एंड बिकम्स लेस देन जीरो एंड दस गेट्स अ नेगेटिव साइन। क्लियर होनी चाहिए बातें। इट विल बी गो ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर निगेटिव। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास जाते जाओगे, ये वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होती जाएगी। क्यों निगेटिव ज़्यादा होती जाएगी? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम ज़्यादा हो रहा होगा। और आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास उतनी कम एनर्जी। और मैंने अभी आपको बताया भी था ना बेटे, कि जब आप लोअर शेल से हायर शेल में जाते हो तो क्या होता है, कम से ज़्यादा एनर्जी में जा रहे हो। मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहाँ ले जाने की कहूँ, कि मैं आपसे कहूँ कि यार इस इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा? आप कहोगे हाँ जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले जाने का मतलब है मैं एनर्जी बढ़ाना चाहता हूँ। और ये काम करने के लिए हमने क्या बताया था, ये सिस्टम क्या कर सकता है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दैट इज अबाउट नेगेटिव साइन, एनर्जी का फॉर्मूला, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं।